गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 10 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है उसके पहले हमने सीख लिया क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? किसी भी काम का होना, ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि वो काम हो रहा है वो क्रिया शब्द होते हैं। तो आप पढ़िए और समझिए। हम प्रतिदिन खाना खाते हैं। हम क्या करते हैं? हर रोज खाना खाते हैं। प्रतिदिन खाना तो खाते हैं लेकिन कैसे खाते हैं? प्रतिदिन। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। कछुआ धीरे धीरे चला। कछुआ चला लेकिन कैसे चला? धीरे धीरे। ईशान बहुत तेज दौड़ा। ईशान दौड़ा लेकिन कैसा? तेज दौड़ा लेकिन कैसा? बहुत तेज। तो यहाँ पर जो बहुत है, यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर प्रतिदिन है और धीरे धीरे है, ये शब्द क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसलिए कह सकते हैं कि शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या है? यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि कहाँ हुई, कैसे हुई, है ना, कब हुई, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर हम परिभाषा देखें, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कभी कभी, अब, हमेशा, प्रतिदिन, कल, परसों, इधर उधर, बाहर, अंदर, भीतर, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, चारों ओर, पास, नीचे, ऊपर, बहुत कम, ज्यादा, इतना, उतना, लगभग, बारी बारी, जल्दी, से। समझ गए? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं।